बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आज नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँ। और आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैंने तकरीबन ये वीडियो पहले भी एक दफ़ा मैं अपलोड कर चुकी हूँ शुगर स्क्रब के बारे में। इसको आज यूज़ करने का तरीका बताऊँगी और यूज़ कैसे होगा, इसका टेक्स्चर कैसा है, इस चीज़ के बारे में बताऊँगी आपको। तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें जी, ये मिल्क और हनी गोल्ड का शुगर स्क्रब, ये देखें आपको शायद कैमरे में नज़र आ रहा होगा। वाजे तौर पे ये पहले भी मैं इस चीज़ की वीडियो बना चुकी हूँ, 200 ml इसमें मौजूद है। अगर इसकी टेक्सचर की बात करें तो ये कैसा है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। आप ये देखें वीडियो में, ये देखें अगर इसका टेक्स्चर देखें तो इसमें लग रहा है जैसे शहद होता है उस टाइप का ये बिल्कुल। और आपने जस्ट थोड़ा सा लेके, ये नहीं कि आपने फेस पे, सिर्फ फेस पे ही अप्लाई कर सकते हैं आप, अपनी नेक हो गई, अपने हैंड हो गए, अपनी फीट हो गई, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। इससे ये कि 2 से 3 मिनट का मसाज करें इसे, और उसके बाद अगर कोई मास्क आपके पास मौजूद है तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी अप्लाई करने का तरीका देखें इसका, आपने बहुत कम मिकदार में लेना। ओरिफ्लेम की चीज़ों की यही खासियत है कि बहुत कम मिकदार में यूज़ होती हैं और रिजल्ट आपके सामने है। अब माशाल्लाह से शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, तो अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझसे रब्ता कर सकता है। जो भी प्रोडक्ट वो लेगा वो 20% ऑफ में उसे मिलेगी, ठीक है। और ओरिफ्लेम ज्वाइन करने के लिहाज से आपको बताऊँ, ज्वाइनिंग के लिहाज से कि ओरिफ्लेम में जो हमारी बहनें काम करना चाहें मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकती हैं। आपने 2 से 3 मिनट का मसाज देना है और आप वाटर यूज़ कर सकते हैं, इसमें वाटर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हल्के हाथ से मसाज देना है आपने, बिल्कुल रगड़ना नहीं, जिस तरीके से रगड़ रगड़ के आपने अपनी, ये ना हो कि स्किन ही डैमेज कर लें, आपने बिल्कुल हल्के हाथ से मसाज देना है। आफ्टर वॉशिंग के बाद मैं बताती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा है कि जी, इसे मुस्तकिल आपने 2 से 3 मिनट जो है वो आपने स्क्रबिंग करनी है, ठीक है। पानी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, अगर रोज़ वाटर है वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। स्क्रबिंग करने के बाद आप इसे टिश्यू की मदद से, वैसे वॉश करने से मैं टिश्यू यूज़ कर रही हूँ, टिश्यू की मदद से आप इसे साफ कर सकते हैं। और आपने वन वीक में 2 टाइम या 3 टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी अभी गर्मियों का मौसम अभी स्टार्ट होने वाला है तो कोशिश करें, ये देखें आप तकरीबन 17 और 20 का फ़र्क तो नहीं कहूँगी, लेकिन 19.5 और 20 का फ़र्क आ गया है माशाल्लाह से, ठीक है ना। तो आप ये यूज़ करें और उसके बाद शुगर स्क्रब की करने के बाद, बात करने के बाद मिल्क और हनी गोल्ड का शुगर स्क्रब, इसके रिव्यू मैंने आपको दिया है क्योंकि मैं ख़ुद ये पर्सनल भी यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद जी आप लव नेचर का डार्क बेरीज डिलाइट, यानी कि ये मास्क है चेहरे के लिए, और ये हमारी सिस्टर्स कहती हैं मुझे ऑयली, यानी कि स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है हमारा, या पिंपल्स का इशू है, या स्क्रबिंग करने के बाद हमें कोई चीज़ ऐसी टोनर हो गया या ऐसी कोई चीज़ हो गई अप्लाई करने के लिए, तो ये आप लव नेचर का ये बेरीज डिलाइट मास्क यूज़ करें। इसका ये है कि ऑल स्किन टाइप है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और मैंने काफ़ी शॉप पे और काफ़ी जगह ही सुना है कि जी ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद जो है ना बहुत सारे रिजल्ट ख़राब निकलना शुरू हो जाते हैं और हमारी स्किन जो है ना ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि आप अपनी स्किन के मुताबिक जो भी चीज़ लेते हैं आप अपनी स्किन टाइप लाजमी बताया करें और अपनी स्किन टाइप के साथ अपनी एज मैंशन किया करें, क्योंकि 20+ के लिए अलग है क्रीमें, सब के लिए अलग हैं। फेस वॉशेज जो हैं आप 30+ के लिए लेंगे तो उसके लिए भी अलग है, 20+ के लिए लेंगे उसके लिए भी अलग है। और इसकी बात करें तो ये 50 ml इसमें मौजूद है, ये बेरीज का है, बेरीज इसमें शामिल हैं जो स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं और अपनी और स्किन को टाइट भी करेगी ये, ठीक है, टाइटनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप। और अगर इसकी टेक्स्चर की बात करेंगे तो किस कलर की है ये देख लें आप, ये पर्पल शेड है इसका। आपने शुगर स्क्रब अपना यूज़ किया और स्क्रबिंग की और उसके बाद आपने वॉश कर लिया, 2 से 3 मिनट का वक्फा देने के बाद ये होम फेशियल, यानी कि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट सारे मौजूद हैं तो आप घर में ही फेशियल अपना कर सकते हैं। आप डायरेक्ट स्क्रबिंग कर लें क्योंकि फेस वॉश करने का फ़ायदा कोई नहीं है। आप किसी पार्लर में भी जाते हैं तो यही पहले मेथड यही होता है, स्क्रबिंग उसके बाद मास्क उसके बाद आखिर में कोई टोनर वगैरह या कोई सीरम होता है वो अप्लाई कर देती हैं, ठीक है। अगर मैंने ये देखें इसको मैं यूज़ करके बता रही हूँ आपको, ये आपने बहुत कम क्वान्टिटी में लेके पूरे चेहरे पर
या नेक पे आप यूज कर सकते हैं या आर्म्स से यूज कर सकते हैं, ये आपने फैला देना है। ये खुद ब खुद जज्ब हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपने कोई क्रीम लगाई हुई और जैसे उसकी तय बैठ गई है उसके ऊपर, ठीक है। ये इसका रिजल्ट भी आपके सामने ही है। तो उम्मीद करूंगी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस चीज़ के बारे में लाजमी बताइएगा कि कोई कमी बेशी रह गई उस चीज़ में, तो इंशाल्लाह वो अगली वीडियो में लाजमी पूरी करूंगी मैं। और ओरिफ्लेम के अलावा भी मैं कुछ और प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी की, उनकी भी रिव्यूज़ आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी जो कि मैंने खुद यूज़ की हो पर्सनली। और मैं जिस दुकान से बाय करूंगी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस दुकान का एड्रेस भी और नंबर भी उनका ऐड कर दूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।